हाय फ्रेंड्स, कैसे है? ऑटोमेटिक वाटर कंट्रोल रिले है, कैसे फिटिंग करते हैं तो बताने के लिए फिट करते हैं तो ये LND का रिले है। ये रिले लॉकेट मार्केट में 2000-1500 ऐसा रेट में मिलते हैं। रिले का कनेक्शन वेरी सिंपल है। कैसे कनेक्शन करते हैं तो मैं बताएगा। है इसका सेंसर है ये वाटर टैंक में डालने के लिए, और मैं इधर करते हैं तो LND का स्टार्टर में। ये सिंपल कनेक्शन का ड्राइंग है तो बाद में कैसे करते हैं तो मैं बताएगा। ये तो है हमारा रिले है, LND का रिले है। और ये स्टार्टर है, ये वाटर टैंक है। ये सिंपल ड्राइंग है। रिले का ऊपर एक A2 एक टर्मल है, इसमें ऐसे वायर न्यूट्रल में डालते हैं। ये कॉमन न्यूट्रल चलेगा। और इसमें A1 एक टर्मल है, इसमें हमारा स्टार्टर में डालते हैं। स्टार्टर के नीचे एक छोटा काउंटर है, D1 D2 ऐसा रखा। इसमें D2 में डालते हैं, D2 में कनेक्शन करते हैं। ऑलरेडी D1 D2 एक शॉर्ट है, ए वायर निकलना चाहिए। बाद में A1 में ए वायर D2 में डालना चाहिए। कनेक्शन के बाद में A1 में एक वायर 50 में शॉर्ट करना चाहिए। ऊपर का A15 आइसर का एक टर्मिनल है, इसमें शॉर्ट करना चाहिए। और बाकी 16 और 18 दो टर्मिनल बाकी है। इसमें 16 हमारे को नहीं चाहिए, 18 का 18 में एक वायर निकल के हमारे स्टार्टर में D2 D1 ऐसा कंटर है ना, इसमें D1 में डालना चाहिए। D2 एक प्रिवेंटर में आता है। D1 एक तो हमारा NC है ना, NC में आता है। स्टार्टर का 95 एक पॉइंट है, इसमें से आता है ये वायर, इसमें कंटिंग करना चाहिए। ऊपर इतना है, और रिले का नीचे भी कनेक्शन है। कैसे करते हैं तो देखना चाहिए। और हमारे रिले का नीचे 3 पॉइंट है। ये 3 पॉइंट वाटर टैंक अंदर सेंसर फिटिंग करते हैं, इसमें जाना चाहिए। कैसे है तो सेंसर फिटिंग करते हैं, देखो 3 सेंसर ऐसे फिटिंग करना चाहिए। नीचे कॉमन पॉइंट है, सेंटर में P3 है, टॉप में P4 है। कॉमन में रिले के कॉमन पॉइंट में एक वायर निकल के हमारे वाटर टैंक में डाल के ना सेंसर, इसके नीचे का सेंसर में कनेक्शन करना चाहिए। और P3 में नीचे का ये तो टैंक में सेंटर में कनेक्शन करना चाहिए। P4 में ऊपर के सेंसर में कनेक्शन करना चाहिए। P3 में पानी आने के टाइम ये मोटर चार्ज होता है, P4 में पानी आते टाइम ऑफ होएगा ऑटोमेटिकली। मैं यूज़ करते LND का MUG6 स्टार्टर है। स्टार्टर में ये भी चालू है तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी कैसे करने के लिए देखो, ये रिले इसके ऊपर देखो A2 A1 18 16 15 पॉइंट है।
और नीचे कॉमन P3 P4, ये तो टैंक में जाने ये मैं एक मैनुअल स्टार्टिंग के लिए एक बटन है। ये सिंगल फेस में थ्री फेस में यूज़ करते हैं। तो स्टार्टर के अंदर कैसे है तो कनेक्शन देखो, स्टार्टर का एक नीचे देखो D1 D2 कंट्रोल देखो। ये पहले तो ये शॉर्ट करके रखा, मैं ये शॉर्ट निकल के ये रिले का वायर इसमें कनेक्शन करके रखा। D2 में A1 में वायर कनेक्शन करके रखा, D1 में 18 का में एक वायर निकल के कनेक्शन करके रखा। नीचे का कॉमन P3 P4 टैंक का ऊपर जाना चाहिए। ये तो सेंसर का, सेंसर के लिए कॉमन नीचे भी P3 सेंटर में P4 टॉप में कनेक्शन करना चाहिए। और कनेक्शन D1 D2 में कनेक्शन करके और दूसरा भी एक वायर शॉर्ट करना चाहिए। ये तो ये हमारा NO का पॉइंट है ना, 93 94, ये स्टार्टिंग का बटन का पॉइंट। ये तो ये वायर का में ऐसे शॉर्ट करना चाहिए, ये 93 94। ये तो एक लूप का लूप शॉर्ट करना चाहिए, नहीं ये तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होता है, मैनुअल के स्टार्टिंग करना चाहिए। ये वायर शॉर्ट है तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट आएगा। इतना है, दूसरा दूसरे कनेक्शन चाहिए स्टार्टर के अंदर। तो इतना है, ऐसे करना चाहिए, 93 94 शॉर्ट करना चाहिए स्टार्टर के अंदर। ये प्रिवेंटर बाईपास मॉडल में रखना चाहिए। ये टैंक में ऐसा मैं ये सेंसर फिटिंग करके रखा, देखो नीचे एक सेंसर, सेंटर में एक है, टॉप में एक है।